सुशीला हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर 184 ड्रीमलैंड कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के सामने वाली रोड पर रेलवे स्टेशन इटावा। हमारे यहाँ नवजात शिशु के इलाज की विशेष व्यवस्था है। गंभीर नवजात शिशुओं के इलाज की विशेषज्ञों द्वारा 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा स्त्रियों से संबंधित सभी प्रकार के इलाज की उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सुशीला हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर इटावा की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर डीके सिंह, सुशीला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन इटावा की ओर से सभी देशवासियों, जनपद वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं ईश्वर से कि सभी लोग स्वस्थ रहें। जैसा कि आपने पूछा कि कोरोना और डेंगू, इस समय ये दो बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। दोनों ही बीमारियां जानलेवा हैं, इनसे बचाव करना बहुत जरूरी है। जिस तरह कोरोना के केसेस दोबारा से वापस आ रहे हैं, जैसे जैसे जाड़े बढ़ेंगे, धुंध बढ़ेगी, संक्रमण का दौर दोबारा से बढ़ने की संभावना है। त्योहार का मौसम है, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, भीड़ बढ़ने के साथ में इसके संक्रमण की संभावना बढ़ती है। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मूल मंत्र बताया गया है, 6 फुट की दूरी, सामाजिक दूरी आपस में बनाए रखें, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप न रखें तथा मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। पटाखों जहां भी जाएं आप मास्क लगाएं। पटाखों को लेकर बच्चों में बड़ा सा उत्साह रहता है, दीपावली पे जो धुंध बढ़ेगी पटाखों का भी रहेगा, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या संदेश है दीपावली? देखिए, पटाखों से वायु प्रदूषण तो होता है और इससे दमा और सांस की परेशानियां बच्चों में और बूढ़ों में बहुत बढ़ जाती है। कम से कम प्रयोग करें, बहुत ज्यादा प्रयोग न करें, जिससे कि हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। जहां तक डेंगू की बात है, डेंगू में मरीज अभी भी काफी संख्या में आ रहे हैं जिले में, उसी तरह के लक्षण होते हुए। उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए बीमारी के दौरान, चिकित्सकों की सलाह लें, और इससे बचाव का तरीका यही है कि मच्छर से बचाव करना है। कहीं भी स्वच्छ पानी का जहां भी भराव है उसको बंद कर दें, उसमें मिट्टी का तेल डालें या DDT डालें। कहीं पर भी आस पड़ोस में किसी नाली में पानी का भराव ना हो, मच्छर पैदा नहीं होगा तो डेंगू खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।